हम लोगों ने लंबाई में संकुचन की चर्चा की, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. अगर किसी रॉड को हम उसके अपने फ्रेम से देखते हैं जिसमें वो रेस्ट में है और वहाँ उसकी लंबाई नापते हैं, तो उसकी जो लंबाई आती है वो ज़्यादा आती है. और वही रॉड अगर किसी दूसरे फ्रेम में अपनी लंबाई के पैरेलल, अपनी लंबाई के अलोंग उसके अनुदेश चल रही हो, तो लंबाई कम आती है, जिसको हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं या लंबाई में संकुचन कहते हैं. और हमने इन दोनों के बीच संबंध का निगमन किया था कि अगर हम रॉड के या छड़ के फ्रेम में छड़ की लंबाई देखें और उसको L नॉट कहें, यानी छड़ रेस्ट में जहां है उस फ्रेम में, इसको रेस्ट लेंथ भी कहते हैं. या प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं. अगर किसी दूसरे फ्रेम से देखते हैं जहां पर कि ये चल रही है और अपनी लंबाई के ही डायरेक्शन में चल रही है, तो किसी दूसरे फ्रेम में इसी छड़ की लंबाई को नापे और उसको हम L कहें, तो L छोटा होगा और L नॉट बड़ा होगा. और उसमें जो फैक्टर है वो ये है, जहाँ V उस फ्रेम की वेलोसिटी है इस फ्रेम की अपेक्षा, या उस फ्रेम में छड़ की जो वेलोसिटी है वो V है और अपनी लंबाई के पैरेलल है. जो लंबाई के परपेंडिकुलर अगर चल रही है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता. और ऐसी छड़ है और इसको हमने इसके रेस्ट फ्रेम में नापा और इसकी लंबाई कुछ ये मिली, L नॉट मिली. और फिर हमने इसको एक दूसरे फ्रेम से नापा जिसमें कि ये V वेलोसिटी से ऐसा चल रही है अपनी लंबाई के परपेंडिकुलर, तो इस लंबाई में कोई संकुचन नहीं होगा. हाँ, ये जो मोटाई है यहाँ पर, इसमें संकुचन होगा क्योंकि ये वेलोसिटी की दिशा में लंबाई है, तो वो होगा. तो ये ध्यान रखने का है कि अपनी लंबाई के पैरेलल अगर वेलोसिटी है वो वाली लंबाई घटती है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लंबाई ठीक रहती है. और जैसे हमने पहले कहा कि इसमें रॉड का कोई महत्व नहीं है, रॉड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये स्पेस की बात हो रही है. रॉड का एक सिरा है, दूसरा सिरा है, उसके बीच की दूरी की बात हो रही है. अगर रॉड नहीं हो करके हमारे पास दो खंभे हों, जैसे मान लीजिए कि हमने एक फ्रेम के अंदर में हमने दो खंभे हैं, जैसे बिजली के पोल होते हैं, तो ज़मीन के ऊपर एक पोल है और फिर एक दूसरा पोल है, और इस पोल से उस पोल के बीच की ये जो लंबाई है, ये जो दूरी है, ये दूरी L नॉट है. और ये रेस्ट फ्रेम में, जैसे ज़मीन के ऊपर हमारे सड़कों पे खंभे होते हैं, तो ज़मीन के फ्रेम से ही अगर हम देखें तो एक खंभे से दूसरे खंभे की जो दूरी है वो L नॉट है. लेकिन इन्हीं खंभों को अगर हम एक चलती ट्रेन से देखते हैं जो इस दिशा में चल रही है, तो उससे अगर हम देखेंगे तो ये खंभे जो है वो पीछे जाते हुए नज़र आएंगे. अगर हमने इसको इस फ्रेम से, दूसरे फ्रेम से देखा, एक ट्रेन के फ्रेम से देखा, और ट्रेन जो है वो ऐसा चल रही है, वी वेलोसिटी से ऐसे चल रही है, और इस फ्रेम से, इस ट्रेन के फ्रेम से अगर हम इसको देखेंगे तो ये दोनों खंभे जो हैं वो इस तरफ को चलते नज़र आएंगे. ऐसा जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो
पटरी के बगल वाले खंभे जो हैं वो पीछे की तरफ जाते रहते हैं, तो वैसे ही। और इस फ्रेम से अगर इस दूरी को नापेंगे तो फिर वो दूरी हमें एल नॉट नहीं मिल करके कम मिलेगी, एल मिलेगी। वहाँ के प्रेक्षक के अनुसार इन दोनों खंभों के जो बीच की दूरी है वो घट गई है, वो घट गई है, और घट करके एल नॉट स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गई है। तो ये रॉड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक रॉड नहीं है, खाली जगह है, संकुचन इस खाली जगह में हो रहा है। तो यानी ये स्पेस के दो पॉइंट्स के बीच की दूरी की बात हो रही है, न कि कोई रॉड ही होना ज़रूरी है। तो ये संकुचन से संबंधित बातें है, और ये ध्यान रखेंगे जब हमने प्रॉपर टाइम इंटरवल की बात की थी, जिस फ्रेम में दो घटनाएं एक ही स्थान पर हो रही हैं वो अंतराल प्रॉपर टाइम इंटरवल था, और वो सबसे कम था। किसी दूसरे फ्रेम से देखने पे वो समय अंतराल बढ़ जाता है, लेकिन लंबाई में जो उसका प्रॉपर फ्रेम है, प्रॉपर लेंथ है, रेस्ट लेंथ है, वहाँ पर वो लंबाई सबसे अधिक है। किसी दूसरे फ्रेम से देखने पे वो लंबाई घट जाती है। तो अब हम कुछ सवाल बनाते हैं इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से संबंधित। तो पहला सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 40 मीटर है। एक वायुयान से देखने पर यह वर्गाकार हो जाता है, यह मैदान जो है वो वर्गाकार हो जाता है। एक वायुयान से देखने पर और देखने पर का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा करके देखेंगे, उस फ्रेम में हम उसको नापेंगे, बिल्कुल लीगल तरीके से नापेंगे एक ही समय में, क्योंकि मैदान चल रहा होगा वायुयान के फ्रेम में, तो एक ही समय में हमें उसके दोनों किनारों का स्थान देख करके और उसके अंदर उसके बीच की दूरी नापनी है। तो देखने का ये मतलब नहीं है। एक वायुयान से देखने पर यह मैदान वर्गाकार, वर्ग के आकार का, वर्गाकार हो जाता है। तो हमें वायुयान का वेग बताना है, वायुयान का वेग बताएं। तो मैदान है आयताकार, ऐसा मैदान है, एक भुजा इसकी 40 मीटर है और दूसरी भुजा इसकी 50 मीटर है, और इस आयताकार मैदान को एक वायुयान के फ्रेम से देखा जाता है, और वायुयान के फ्रेम में ये वर्गाकार हो जाता है। तो यानी वायुयान को किधर चलना चाहिए, वायुयान को इस लंबाई के पैरेलल चलना चाहिए, ताकि वायुयान के फ्रेम में ये 40 मीटर जो है वो तो अपनी लंबाई के लंबवत चलेगा, और ये 50 मीटर जो है वो अपनी लंबाई के समानांतर चलेगा। यानी वायुयान के फ्रेम में अगर हम देखेंगे, ये दूरियां मैं हटा देता हूँ या इधर बना देते हैं,
ये हमारे मैदान या ज़मीन का फ्रेम है ये, और इस ज़मीन के फ्रेम में वायुयान चल रहा होगा, जैसा भी वायुयान होता होगा, क्योंकि ये सभी कुछ काल्पनिक वायुयान होंगे। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा आने वाली है कि हमारी अभी की टेक्नोलॉजी में ऐसे वायुयान नहीं होते, लेकिन रिलेटिविटी के सिद्धांत को समझने के लिए हम लोग इस तरह के काल्पनिक स्थितियां लेते हैं। तो ये वी वेलोसिटी से इसको इस तरफ चलना चाहिए वायुयान को, ज़मीन के फ्रेम में। और वायुयान के फ्रेम में अगर हम देखेंगे इसको, वायुयान के फ्रेम में अगर हम इसको देखेंगे, तो ये पूरा मैदान, पूरी ज़मीन, सब कुछ बाईं तरफ वी वेलोसिटी से चल रहा होगा। और ये वर्गाकार है, ये वर्गाकार है, यही मैदान वर्गाकार है, और ये सब कुछ इस तरफ को चल रहा है वायुयान के फ्रेम में। ये मैदान इस तरफ को चल रहा है। तो अगर इस लंबाई को देखें, यहाँ से यहाँ तक की इस लंबाई को देखें, तो इसकी जो गति की दिशा है वो इधर है, और इस लंबाई के लंबवत है, इसलिए इसमें कोई संकुचन नहीं होगा, इसमें कोई संकुचन नहीं होगा, इसमें कोई संकुचन नहीं होगा, इसमें कोई संकुचन नहीं होगा। और ये 40 मीटर हैं, तो ये 40 मीटर बने रहेंगे। मगर ये वाली जो लंबाई है, ये अपनी लंबाई की ही दिशा में चल भी रही है, और इसलिए इस लंबाई में संकुचन होगा। ये 50 मीटर थी, और ये संकुचन हो करके यहाँ पर ये 40 मीटर बनेगी। तो ऐसा चित्र है, और हमें ये भी पता करना है कि ज़मीन में वायुयान का वेग कितना है, या वायुयान के फ्रेम में मैदान की वेलोसिटी वी कितनी है। तो क्या हो रहा है, ये जो 50 मीटर है, ये रेस्ट लेंथ है। ये जिस फ्रेम में ये लंबाई चल नहीं रही है, उस फ्रेम में इसकी लंबाई नापी हुई 50 मीटर है, और ये दूसरे फ्रेम से है जहाँ ये लंबाई अपने पैरेलल चल रही है। तो ये प्रॉपर लेंथ है, या रेस्ट लेंथ है, और ये हमारे दूसरे फ्रेम का लेंथ है। और यही हम समीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने संकुचन के लिए लिखा था, L बराबर L नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ध्यान रखिए, ये फैक्टर एक से छोटा है, तो अगर हमें पता है कि संकुचन हो रहा है तो हम इसे गुणा करेंगे, और अगर हमें पता है कि एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम इससे भाग लगाते हैं। तो यानी 40 मीटर बराबर 50 मीटर, मीटर से मीटर काट लीजिए, स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसको भी जीरो को भी हटा सकते हैं, 4/5 बराबर इतना, स्क्वायर कर दीजिए 16/25 बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसलिए वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 16/25 अर्थात 9/25, और इसलिए v बाई सी वर्गमूल निकाल लीजिए, v बाई सी बराबर वर्गमूल निकाले 3/5 यानी 0.6, और ये v बराबर 0.6 इंटू सी। प्रकाश के वेग को आप 0.6 से गुणा करें, इतनी वेलोसिटी से अगर कोई वायुयान चले, तब ये आयताकार मैदान वर्गाकार हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड में आप चाहें तो लिख लें इसको, 0.6 इंटू 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकंड, अर्थात 1.8 इंटू 10^8 मीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से वायुयान को चलना होगा, तब ये आयताकार मैदान उस फ्रेम में, वायुयान के फ्रेम में वर्गाकार बनेगा। दूसरा सवाल करते हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि एक ट्रेन 0.6 सी वेग से चलती हुई उसे एक सेकंड में पार कर जाती है।
यद्यपि ये सारी जो परिस्थितियां हम लोग लेके आ रहे हैं वो काल्पनिक है, लेकिन हमारे जो प्रयोगशालाओं के अंदर एक्सेलरेटर्स होते हैं वहाँ पर हम कणों को इतनी वेलोसिटी से, इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से चला सकते हैं और चलाते हैं। और इसलिए ये सारे जो हम यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं, सवाल हल कर रहे हैं, ये सब उन परिस्थितियों के अंदर में लागू हैं और सही हैं और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो इसलिए ये केवल काल्पनिक डेटा ट्रेन वगैरह लिखा हुआ काल्पनिक है, लेकिन ये सारी घटनाएं वास्तव में होती हैं अगर उतनी वेलोसिटी के चीज़ों की हम बात करें तो। एक सेकंड में पार कर जाती है। और पहले दो सवाल हैं इसमें, ए और बी। प्लेटफॉर्म के फ्रेम से ट्रेन की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म के फ्रेम से ट्रेन की लंबाई कितनी है? और दूसरा पार्ट है कि ट्रेन के फ्रेम में उसकी लंबाई कितनी है। यानी एक प्लेटफॉर्म की कल्पना करें और उस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है उसकी कल्पना करें, और एक ट्रेन जो कि 0.6 सी वेलोसिटी से चल रही है, 0.6 सी वेलोसिटी से एक ट्रेन चल रही है, और इस व्यक्ति को वो एक सेकंड में पार कर जाती है। अर्थात ये व्यक्ति जब अपनी घड़ी का इस्तेमाल करता है, प्लेटफॉर्म वाली घड़ियों का इस्तेमाल करता है, ज़मीन वाली घड़ियों का इस्तेमाल करता है, तो इस फ्रेम में इसका अगला सिरा यहाँ पर है और उसके बाद इस ट्रेन का पिछला सिरा यहाँ आ गया, ट्रेन निकल गई, इतने में एक सेकंड का समय लगता है। और तब प्रश्न है प्लेटफॉर्म के फ्रेम में ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो अभी तो चूंकि फ्रेम हम बदल नहीं रहे हैं, सारा काम प्लेटफॉर्म के ही फ्रेम में हो रहा है, इसलिए अपना सीधा साधा गणित इस्तेमाल होगा। अगर इतने वेलोसिटी से, 0.6 वेलोसिटी से ये ट्रेन चल रही है और वैसी हालत में इसकी हमें लंबाई जाननी है और एक सेकंड समय लगता है ये पता है, तो जिस समय में ये इसका पिछला हिस्सा यहाँ रहा, शुरुआत के अंदर में इसका अगला सिरा यहाँ पर है इस जगह पे, यहाँ से काउंटिंग शुरू है और ये ट्रेन गुजर गई, उस समय में इस प्रकार की कुछ स्थिति होगी, ट्रेन जस्ट यहाँ से गुजर गई, कुछ इस प्रकार की स्थिति हो गई। तो ट्रेन का जो अगला सिरा था, इंजन का सिरा था, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया और यही ट्रेन की लंबाई है, इस फ्रेम से नापी हुई यही इस फ्रेम की लंबाई है। नापने का बिल्कुल वैधानिक तरीका है ये कि इसकी स्पीड अगर हमें पता है, इसकी स्पीड अगर हमें पता है, इंजन की स्पीड पता है और इंजन यहाँ था और यहाँ पहुँच गया और ट्रेन का पिछला सिरा अभी जस्ट यहाँ पर है, एक सेकंड का समय लगा, तो कितनी लंबाई ये है ये जानना बहुत आसान है। ये जो लंबाई है, ये लंबाई एल होगी 0.6 सी इंटू वन सेकेंड, दूरी बराबर वेग गुना समय। इंजन ने कितनी दूरी तय की, इंजन का वेग इतना है, कितने समय तक वो इंजन चल रहा है, एक सेकेंड तक चल रहा है, इसलिए इंजन ने जो दूरी तय करी वो इस सूत्र से हमें मिलेगी और वही इस ट्रेन की लंबाई भी होगी इस फ्रेम में, पर प्लेटफॉर्म के ज़मीन के फ्रेम में। तो अर्थात 0.6
into 3 into 10 pe power 8 meter prati second aur guna 1 second. To is 1 second ko aap hata le, yahan second se second kaat le aur 1 se guna to hai hi ye itna. To arthat 1.8 into 10 pe power 8 meter. ये इस ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म के फ्रेम में होगी. तो पहले पार्ट का ये उत्तर होगा, प्लेटफॉर्म के फ्रेम में ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो इतनी है, ये ए पार्ट. बी पार्ट को देखें, बी पार्ट में पूछा जा रहा है ट्रेन के फ्रेम में उसकी लंबाई कितनी होगी. तो अभी जो ये लंबाई हमने प्राप्त की है वो चलती हुई ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म के फ्रेम से है इसलिए वो चलती हुई ट्रेन की लंबाई है और अपनी लंबाई के अलोंग उसी के अनुदिश ये चल रही है इसलिए ये संकुचित लंबाई है, संकुचन के बाद की लंबाई है ये. और ट्रेन के फ्रेम से ट्रेन की लंबाई को अगर देखेंगे तो वो उसकी रेस्ट लेंथ होगी, प्रॉपर लेंथ होगी, उसकी अपनी लंबाई होगी. तो ये बी पार्ट में हमें पूछा जा रहा है ट्रेन के फ्रेम में उसकी लंबाई कितनी है, यानी रेस्ट लेंथ कितनी है. और रेस्ट लेंथ बड़ी होती है और जब वो चलती हुई चीज़ होती है तब हम उसकी लंबाई नापते हैं तो वो छोटी होती है. तो ये छोटी है और रेस्ट लेंथ जो हम निकालने जा रहे हैं वो बड़ी है. तो इसलिए ट्रेन के फ्रेम में ट्रेन की लंबाई अर्थात उसकी रेस्ट लेंथ ये होगा एल नॉट, ये इससे बड़ा होना है ध्यान रखिएगा, इसलिए हमें भाग लगाना पड़ेगा. एक से छोटी संख्या से भाग लगाने से कुल जो नंबर है वो बड़ा हो जाता है, तो इससे ये बड़ा है अर्थात 1.8 इंटू 10 पावर 8 मीटर और बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस v बाई सी का स्क्वायर. और वेलोसिटी जो है वो 0.6 सी है, तो v बाई सी का मतलब हो गया 0.6, ये 0.6 का स्क्वायर है ये 0.36 और एक से घटाएंगे 0.64 और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.8 अर्थात 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर डिवाइडेड बाय 0.8. ये हल कर सकते हैं आप, ये 9/4 अर्थात 2.25 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर. तो ये ट्रेन के फ्रेम में ट्रेन की लंबाई है, यानी रेस्ट लेंथ इतनी है. और प्लेटफॉर्म के फ्रेम में चूंकि ट्रेन चल रही है तो लंबाई संकुचित हो गई है और संकुचित होकर इतने से इतनी हो गई है, 1.8 इंटू 10 पावर 8 मीटर हो गई है. एक और सवाल बनाए, एक छड़ फ्रेम एस में स्थिर है, और एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है. एस प्राइम फ्रेम एस की अपेक्षा
v वेग से x दिशा में चल रहा है, हमेशा की तरह s और s प्राइम हमेशा हम इसी तरह से लेते हैं। और प्रश्न है कि s प्राइम फ्रेम में यह छड़ x एक्सिस से, जिसको आप x प्राइम एक्सिस कह सकते हैं, x एक्सिस और x प्राइम एक्सिस दोनों एक ही लाइन पर है, एस प्राइम में यह छड़ एक्स प्राइम अक्ष से कितना कोण बनाएगी। तो एक छड़ फ्रेम एस में स्थिर है और एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो ये x अक्ष है, s फ्रेम है और इसमें ये स्थिर है और इस फ्रेम में x अक्ष से ये जो छड़ है ये थीटा कोण बनाती है, ये कोण थीटा है। और s प्राइम फ्रेम जो इसकी अपेक्षा दाहिनी तरफ x अक्ष की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है, उससे इस फ्रेम को हम देखते हैं अब। और प्रश्न है कि उसके एक्स एक्सिस से, जो इस एक्सिस के ही साथ है, ये कोण कितना बनेगा। तो इस प्राइम फ्रेम से अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो छड़ है ये छड़ पीछे की तरफ इस तरफ वी वेलोसिटी से चल रही होगी। इस प्राइम फ्रेम से देखने पर हम क्या पाएंगे कि ये छड़ इस तरफ को चल रही है, अभी अपनी लंबाई की दिशा में नहीं चल रही है। तो इस लंबाई के आप दो हिस्से कर सकते हैं, x एक्सिस की तरफ और y एक्सिस की तरफ, इसके ये दो हिस्से कर सकते हैं आप, x एक्सिस की तरफ और y एक्सिस की तरफ। तो ये जो हिस्सा है s फ्रेम में देखें पहले, ये जो हिस्सा है ये होगा, अगर इसकी इसकी कुछ लंबाई है, कुछ इसकी लंबाई यहाँ L लिखें, तो ये होगा L साइन थीटा, और ये वाली जो लंबाई है ये नीचे बेस जो है उसको लिखें, ये होगा L कॉस थीटा। तो जो L साइन थीटा है उसमें संकुचन नहीं होगा क्योंकि वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इधर है और ये लंबाई इधर है, इसमें संकुचन नहीं होगा। लेकिन जो ये एल कॉस थीटा है ये इस वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में, इसमें संकुचन होगा। तो अगर ये लंबाई यहाँ एल प्राइम ऐसा लिखेंगे और ये एंगल अगर थीटा प्राइम है तो ये जो दूरी है, ये दूरी ये होगी एल प्राइम साइन थीटा प्राइम, और ये जो दूरी है ये होगी एल प्राइम कॉस थीटा प्राइम, और जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ है वो बराबर होंगी, अर्थात एल साइन थीटा बराबर एल प्राइम साइन थीटा प्राइम। लेकिन ये जो दूरी है एल कॉस थीटा, इसका संकुचन हो करके L प्राइम cos थीटा प्राइम हो गया है, तो ये L प्राइम cos थीटा प्राइम में इस तरफ लिख लूं, ये छोटा होगा, ये लंबाई छोटी होगी और ये लंबाई बड़ी होगी, ये अपने रेस्ट वाले फ्रेम में है ये, इसलिए ये अधिक है और इसी का संकुचन होकर के ये बना है, तो ये बराबर होगा L cos थीटा और गुना 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का वर्गमूल। ये एल कॉस थीटा रेस्ट लेंथ है, ये उस फ्रेम में नापा हुआ लेंथ है जिस फ्रेम में ये
लिंक बदल नहीं रही है, चल नहीं रही है, हिल नहीं रही है, स्थिर है। और यही लेंथ यहाँ पर ये छोटी हो गई है क्योंकि ये पूरी रॉड ऐसे चल रही है, तो ये लेंथ भी ऐसा चल रहा है, और इसलिए ये एल प्राइम कॉस थीटा प्राइम को हमने एल कॉस थीटा से प्राप्त किया है इस फैक्टर से गुना करके। ये फैक्टर एक से छोटा होता है। अब आप भाग लगा दें, अब आप भाग लगा दें तो क्या पाते हैं हम, साइन थीटा कॉस थीटा अर्थात टैन थीटा, और इस L से ये L कट जाएगा और नीचे में स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इधर भाग लगा दे ये L प्राइम कट जाएगा टैन थीटा प्राइम। ये रिश्ता है, ये रिश्ता है जो एंगल बनेगा थीटा प्राइम, उसको हम लोग लिख सकते हैं टैन इनवर्स। टैन थीटा प्राइम बराबर इतना, तो थीटा प्राइम बराबर टैन इनवर्स ऑफ दिस, टैन थीटा बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बढ़ गया ये एंगल, बढ़ गया है ये थीटा प्राइम, थीटा से बढ़ा है क्योंकि ये छोटा हो गया है और ये उतना ही रह गया है, तो इसलिए ये जो इसका इंक्लिनेशन है ये वाई एक्सिस की तरफ घूम गया है। इसी रॉड को हम एस फ्रेम से देख रहे हैं और एस प्राइम फ्रेम से देख रहे हैं। एस फ्रेम में ये जिस इंक्लिनेशन पर थी, एस प्राइम फ्रेम में देखने से वो इंक्लिनेशन वाई एक्सिस की तरफ झुक गया है, एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो बढ़ गया है।